वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया है आपको x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी एंड जेड इज इक्वल टू ए बीटा प्लस बी अल्फा प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर. These are the complex cube roots of unity that we know. ऐसा है तो x into y into z is equal to how much? You have four options. Which of these are right? ठीक है. So हम इस question करने के लिए हम एक formula याद करेंगे. ठीक है. The formula is available on all standard textbooks. So which is something like this: factorization using complex cube roots of unity. एक formula है a cube प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन फैक्टराइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी. ठीक है. सो दिस इज नॉट द ओनली वे टू राइट दिस. इसको आप यहां ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए. इफेक्टिवली यू आर मल्टीप्लाइंग विद ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू वन. सो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस वन प्रॉपर्टी, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन. ठीक. सो इफ यू टेक दीज प्रॉपर्टीज, ये वाला ब्रैकेट को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाला ब्रैकेट को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो इफेक्टिवली वी हैव मल्टीप्लाइड विद ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू वन. सो व्हाट हैपेंस? इसको मैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी सी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी भी लिख सकता हूं. द इफेक्टिव मीनिंग इज one term will be a plus b plus c. In the other two terms, one number will remain on its own. Iske baad baaki do numbers ke multiplication mein ek bar omega omega square aayega, ek bar omega square omega aayega. So that's how the pattern looks. So now, if you see this expression, so x into y into z is nothing but a plus b plus c into alpha and beta are omega and omega square. So a omega plus b omega square plus c into a omega square plus b omega plus c हो जाएगा. So from the formula, can you see that these two are exactly same? So from the formula it is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So option C is the right answer. Thank you.